या गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में बातचीत करते हैं इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, जर्नल एंट्रीज के बारे में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी के द्वारा अगर शेयर्स इशू किए जाते हैं तो सबसे पहले पब्लिक से एप्लीकेशंस मंगाई जाती है और उसके बाद कंपनी के द्वारा शेयर्स अलॉट किए जाते हैं या इशू किए जाते हैं। अगर किसी कंपनी को फंड्स की यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए दो तरीके से कैपिटल अरेंज की जा सकती है। एक, एप्लीकेशन के साथ ही पब्लिक से सारा का सारा अमाउंट मंगा लिया जाए, और दूसरा, इस अमाउंट को हम लोग धीरे धीरे पार्ट्स के अंदर भी मंगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट कैसी है। मान लेते हैं कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके लिए एक बिल्डिंग परचेज करनी है और कुछ मशीनें इंस्टॉल करनी है, तो सारा का सारा पैसा हमें एक साथ ही लगाना होगा, तो ऑब्वियस है पब्लिक से सारा पैसा हमें एक साथ मंगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा हमको एक साथ मंगा लेंगे। बट सपोज करिए कि ये पैसा हमें अगले दो सालों में धीरे धीरे करके चाहिए, तो पब्लिक से अगर सारा पैसा एक साथ मंगा लेंगे तो इस अमाउंट को रखेंगे कहाँ पे, और अननेसेसरी पब्लिक को हम लोग जवाब क्या देंगे कि दो साल तक हमने पैसा रख लिया क्या। तो बेटर ये है कि जब जब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तब तक हम लोग पब्लिक से धीरे धीरे करके अमाउंट कॉल कर लेंगे और मंगा लेंगे, राइट। तो बेटा शेयर्स को इशू करने के लिए हम लोग यहाँ दो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला, अगर सारा पैसा एक साथ मंगा रहे हैं तो इसे कहा जाता है लमसम पेमेंट, और अगर ये पैसा हम लोग धीरे धीरे करके मंगा रहे हैं तो इसे कहा जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, राइट। सबसे पहले बातचीत कर रहे हैं हम लोग लमसम पेमेंट के बारे में, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड लमसम पेमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी अपने शेयर को या तो एट पार इशू करेगी या फिर एट प्रीमियम इशू करेगी। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, राइट। बट सपोज करिए मेरे पास एक 100 रुपी का नोट है, ऑब्वियस उस नोट के ऊपर लिखा है 100 रुपीज। अब मैं मार्केट में जाता हूं और किसी दूसरे पर्सन को मैं एक्सचेंज करने के लिए नोट देता हूं, तो मुझे सामने वाला वापस कितने रुपए देगा? 100 रुपीज। या कुछ गुड्स परचेज करता हूं, कितने का गुड्स आएगा मेरे पास? 100 रुपीज का। बट सपोज करो इस नोट पर जो सीरियल नंबर लिखा है, सीक्वेंस जो लिखी है, बहुत यूनिक नंबर लिखा हुआ है, सपोज करिए 786 786 दो बार लिखा है, और कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए 786 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, 111111 6 टाइम्स लिखा है, तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये 6 टाइम 1111 इंपॉर्टेंस रखता है। अब किसी पर्सन को ये मालूम पड़ता है कि मेरे पास एक नोट है जिस पर 786 लिखा है, उसको क्या लगता है कि ये 100 रुपीज का नोट मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, 110 में भी परचेज कर सकता हूँ, 120 रुपीज में परचेज कर सकता हूँ। इज इट पॉसिबल? यस और नो? ऑफ कोर्स। अगर मेरे पास 111111 जो नंबर है, डिजिट है, उसका कोई नोट है मेरे पास 100 रुपए का, तो कोई पर्सन हो सकता है मुझे एक बोले कि ये मैं नोट आपसे 110 रुपए 120 रुपए परचेज कर सकता हूँ, तो नोट की वैल्यू बढ़ सकती है। पर सपोज करो मेरे पास कोई नोट ऐसा है चाहे कितना भी खराब हो गया हो, मैं उसको 90 रुपीज में किसी को नहीं दूंगा। मैं ज्यादा बेटर क्या करूंगा, बैंक जाऊंगा, बैंक से जाकर उसको एक्सचेंज करा के आऊंगा। बैंक ने, आरबीआई ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप इस नोट को कम प्राइस में कहीं पे भी सेल नहीं करेंगे, ये अपनी इंडियन करेंसी का अपमान रहेगा। तो यही सेम चीज शेयर्स के केस में, कोई भी कंपनी के शेयर फेसली क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू पर या तो इशू कर सकती है या फेस वैल्यू पर हायर वैल्यू पर इशू कर सकती है, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू नहीं कर सकती। सपोज करिए किसी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और अगर ये कंपनी पब्लिक से 100 रुपीज लेकर अपना एक शेयर इशू कर रही हो, इसका मतलब इन शेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ये कंपनी 100 रुपीज की जगह 110 रुपीज ले रही है, 120 रुपीज ले रही है, 150 रुपीज ले रही है, तो इसे क्या बोला जाएगा? एट प्रीमियम। इज इट क्लियर? बस एक बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को कितने प्रीमियम पर इशू कर सकती है। कोई लिमिटेशन है इस पे? नो, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। रिलायंस पावर, आर पावर जिसे हम लोग बोलते हैं, इस कंपनी ने 10 रुपीज का शेयर पब्लिक में 500 रुपीज में इशू किया था, यानी कि इस कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 490 रुपीज की प्रीमियम पर इशू किया था। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ प्रीमियम। डिपेंड किस पे करेगा? कंपनी के मार्केट में रेपुटेशन पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट।
बड़ा फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एट पार। एट पार का मतलब होता है कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू, अगर सपोज करिए 10 रुपीज है तो कंपनी शेयर्स को जो इश्यू करेगी इसकी प्राइस भी क्या होगी, इक्वल। फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस अगर दोनों सेम है तो इसी को कहा जाता है एट पार। तो कंपनी अगर अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर रही है 10 रुपीज वाले, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे कि टोटल कितने शेयर इशू कर रहे हैं। सपोज करिए हम लोग 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं तो 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख शेयर इशू करने 10-10 रुपए वाले, टोटल पैसा पब्लिक से कितना आने वाला है 10 लाख रुपीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैसा आएगा कंपनी के बैंक अकाउंट में, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक चेक और डीडी बनाकर कंपनी को देगा और ये चेक और डीडी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री अपने क्या पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अभी हमने शेयर दिए नहीं है, शेयर कब देंगे जब हमें ये पता लगेगा कि हमें शेयर इशू कितने करने थे, पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आई है, हमारा जो शेयर्स इशू करना है वो इक्वलेंट टू एप्लीकेशन है या ज्यादा है या कम है, तीनों कंडीशन जो अपने पास है उसके हिसाब से हम लोग ध्यान में रखते हैं यहाँ पे शेयर इशू करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन के समय एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो वापस एंट्री पास की जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर ये इक्विटी शेयर है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर इन शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है, प्रीमियम पर इशू करने का मतलब है फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है और इशू प्राइस 12 रुपीज, तो 10 रुपीज के शेयर को हम लोग 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं, इसमें से हमारे शेयर की वैल्यू तो कितनी होगी, तो 2 रुपीज जो हम लोग पब्लिक से एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसे कहा जाता है प्रीमियम। यह है 2 रुपीज। कोई भी कंपनी जब पब्लिक में शेयर इशू कर रही है और 10 रुपए के शेयर के बदले में पब्लिक से 12 रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बिक रही है, 2 रुपए कंपनी को ज्यादा मिल रहा है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। और जब शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और उस समय कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बोलते हैं, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। अगर आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया और उससे अगर आपने कोई प्रॉफिट या इनकम जनरेट की है तो ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये जो प्रीमियम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकती। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट ही यूटिलाइज होते हैं, जैसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। अगर इन सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड बांटने के लिए काम में नहीं ले सकते, इसे शेयर होल्डर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में नहीं ले सकते, तो फिर इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या होगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है कैपिटल नेचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम काम करेगा। या फिर अगर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं, कैपिटलाइजेशन करना है, तो इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम काम करता है। तो कैपिटल नेचर के लॉसेस क्या है, अगर आप डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं और वो प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, वो हमारे कैपिटल नेचर का लॉस है, उसको इस सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे, ये वहां काम आएगा। या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को बोनस शेयर इशू करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, बट सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी डिविडेंड बांटने के लिए काम में नहीं। इज इट क्लियर? बड़ा अगर प्रीमियम पर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तो इस बार पब्लिक जब एप्लीकेशन के साथ पैसा भेजेगी तो कितने रुपए भेजेगी हमें, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पर। और वापस से जब हम लोग शेयर इशू करेंगे तो इसमें ध्यान रखिए, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट 12 रुपए डेबिट होगा, मगर शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, 10 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 2 रुपीज। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज देयर एनी डाउट, एनीवन? बड़ा आसान सा है।
नेक्स्ट पेमेंट इन पार्ट्स। बेटा पेमेंट एक साथ मंगा है या पार्ट्स में मंगा है, दोनों सिचुएशन के अंदर ध्यान रखिए कंपनी या तो शेयर को एट पार इशू करेगी या फिर एट प्रीमियम इशू करेगी। मान लेते हैं कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज और ये 10 रुपीज हमारे लिए इशू प्राइस भी है। तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस अगर सेम हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं एट पार। तो यहां पर हम लोग कंपनी के शेयर को एट पार सम मूल्य पर इशू कर रहे हैं, एट पार इशू कर रहे हैं। मगर ये 10 रुपीज का अमाउंट कंपनी को एक साथ नहीं चाहिए, तो कंपनी इस अमाउंट को क्या कर सकती है इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकती है। सबसे पहले तो पब्लिक को एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। तो अब कंपनी पब्लिक से मिनिमम कितना पैसा मंगा सकती है, तो ऑब्वियस है कि जो फेस वैल्यू है इसका मिनिमम 5% अमाउंट एप्लीकेशन पर मंगाना होता है। तो 10 रुपए का शेयर है तो कम से कम 50 पैसे तो मंगाने होंगे, 100 रुपए का शेयर तो कम से कम 5 रुपए अपने को मंगाने होंगे। तो मिनिमम 5% अमाउंट अपने को यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ मंगाना है, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। इसके बाद जो पैसा आता है जब शेयर हम लोग अलॉट करते हैं तब आता है, इसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और बाकी का जो अमाउंट है वो फ्यूचर में मंगाएंगे, मंगाने का इंग्लिश में बोलते हैं कॉल। तो अमाउंट जो फ्यूचर में आने वाला है उसे बोलते हैं कॉल मनी, राइट। एप्लीकेशन पर सपोज करिए हम लोगों ने 4 रुपीज का अमाउंट मंगाना है, अलॉटमेंट पर माना कि हम लोग 3 रुपीज का अमाउंट मंगा रहे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रूप में सपोज हम लोग 3 रुपीज मंगा रहे हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि एक ही कॉल हो, एक से ज्यादा कॉल हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कॉल पे कोई लिमिटेशन नहीं है। कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पैसा मंगाना है। सबसे पहली जर्नल एंट्री ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव, जिस दिन अपन ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है उस दिन एंट्री क्या पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए हैं 4 रुपीज, तो ये एंट्री अपन पास करेंगे 4 रुपीज। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अपने इससे पहले भी डिस्कस किया, ये सेम एंट्री यहां पर भी रहेगी। मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर जितने शेयर हमें पब्लिक ने इशू करने थे उसके कंपैरिजन में एप्लीकेशंस ज्यादा आए तो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशंस है उसका पैसा पब्लिक को हमें वापस से रिफंड करना पड़ सकता है। जब पब्लिक से हमें पैसा मिला तो अब हमने एंट्री क्या पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अब ये अमाउंट हम पब्लिक को वापस से रिफंड कर रहे हैं तो रिफंड के केस में इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री अपने को पास करनी होगी। तो रिफंड के केस में एंट्री क्या पास होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री पास करनी है, राइट। यह बात हमेशा याद रखिए कि एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक पहले हमें डिपॉजिट करवाएगी उसके बाद हम उनको शेयर देंगे, मगर इसके बाद अब ये बन गए कंपनी के ओनर, अब ये आगे होकर कभी पैसा नहीं देंगे। अब कंपनी एक जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी, जनरल मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है और पब्लिक से या शेयर होल्डर से बाकी का पैसा और मंगा लेना चाहिए। हालांकि ये डेट प्री डिसाइडेड होती है मगर उसके लिए भी जनरल मीटिंग वगैरह बुलाना कंपलसरी है। तो जनरल मीटिंग के अंदर सभी शेयर होल्डर्स इकट्ठे होंगे और ये डिसाइड किया जाएगा कि अब अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया जाए। जिस दिन ये डिसीजन होगा उस दिन हम लोग ये अमाउंट ड्यू करेंगे कि हमें इन शेयर होल्डर से पैसा लेना है। ये कंपनी जो है ये अमाउंट ड्यू करेगी कि हमें पब्लिक से पैसा लेना है। अमाउंट ड्यू करने के लिए एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। और ये अलॉटमेंट के लिए नोटिस सभी शेयर होल्डर को भेज दिया जाएगा, सभी शेयर होल्डर से कहा जाएगा कि आप अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को डिपॉजिट करवा दीजिए। तो अभी हम लोग अलॉटमेंट पर सभी शेयर होल्डर से 3 रुपए का अमाउंट मंगा रहे हैं, अब पब्लिक हमारे को ये पैसा डिपॉजिट करवाएगी और जब ये पब्लिक पैसा डिपॉजिट कराएगी तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, एंट्री का पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ओके।
इसी तरह से कॉल का अमाउंट अगेन जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे कि हमें कॉल का पैसा मंगा लेना चाहिए, तो वापस से शेयर कॉल पहले ड्यू किया जाएगा, उसके बाद पब्लिक इस अमाउंट को कंपनी को डिपॉजिट कराएगी। तो शेयर कॉल अकाउंट अगर ड्यू किया है तो एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पब्लिक के पैसा कंपनी को डिपॉजिट करवाएगी तब एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट। राइट, तो बड़ा आसान सा है ये। तो ये कंपनी शेयर्स को या तो एट पार इशू करेगी या प्रीमियम पर इशू करेगी। अभी प्रीमियम अगर आया तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। शेयर की जो फेस वैल्यू थी बनी क्या बनी थी, 10 रुपीज, और सपोज के लिए इशू प्राइस इस बार हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 12 रुपीज। 12 रुपीज में से हमारा शेयर का वैल्यू कितना है, 10, और जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ये 10 रुपीज का अमाउंट और 2 रुपीज का अमाउंट कैसे मिलेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि ये 2 रुपीज का अमाउंट आपको कम मंगाना है एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ या कॉल के साथ, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा जाए वैसा मान लीजिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन जब साइलेंट है, तो हमेशा मान के चलिए कि 2 रुपीज का अमाउंट जो होगा ये अलॉटमेंट के साथ ही मंगाया जाएगा। जब शेयर पब्लिक को अलॉट किए जाएंगे उस समय प्रीमियम का अमाउंट मंगाया जाएगा। इस 12 रुपीज के अमाउंट को मंगाने के लिए अगर आपसे कहा जाता है एप्लीकेशन पर हमने 4 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट पर 3+2 यानी टोटल 5 रुपए मंगाए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सपोज 3 रुपए मंगाए, तो शेयर कैपिटल के रूप में तो टोटल पैसा कितना आया, 10 रुपीज, और 2 रुपीज हमें जो प्रीमियम का मिला ये हमें कब मिल रहा है, अलॉटमेंट के साथ। ये 4 रुपए एप्लीकेशन पर, ये अमाउंट अलॉटमेंट पर, और ये कॉल के। कॉल जरूरी नहीं कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी कॉल पॉसिबल है। सबसे पहले एप्लीकेशन, उसमें एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब पैसा हमें मिला है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये शेयर अपने इशू किए और मनी अगर रिफंड की तो जो अपनी रिसीव की एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बड़ा इस बार जब हम लोग अमाउंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का जब अमाउंट ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कितना होगा इस बार, 5 रुपीज। तो शेयर अलॉटमेंट पर हमें टोटल 5 रुपए चाहिए, उन 5 रुपए में से शेयर कैपिटल का कितना है और अलॉटमेंट का कितना है, प्रीमियम का कितना है, 2 रुपीज। तो टोटल पैसा कितना आने वाला है, 5 रुपीज। अब जब पब्लिक हमें यहाँ पर अमाउंट देगी तो ये 5 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ओके, कॉल के लिए कोई चेंज नहीं, 3 रुपए का कॉल पहले भी मंगाया था, इस बार भी मंगाएंगे। जब कॉल मंगा रहे हैं तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। 10 रुपए का शेयर आपने 50 रुपए में भी इशू किया, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया, डजंट मैटर। एप्लीकेशन पर जो मिनिमम अमाउंट आपको मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5% ऑफ फेस वैल्यू। जितने भी फेस वैल्यू, इसका 5% कम से कम अपने को मिलना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, 5% ऑफ फेस वैल्यू। सेकंड, कॉल्स आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बेटा ये जो कॉल वगैरह मंगाने का सिस्टम है ना, आप अपनी मर्जी से नहीं मंगा सकते हैं,
कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है वो AOI में मेंशन किए जाते हैं, तो क्या रूल है आपके कंपनी के बनाए आपने शुरुआत में उसको ध्यान में रखकर ही आपको कॉल वगैरह मंगानी है। थर्ड, वेयर देयर आर नो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिस ऑफ इट्स ऑन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ टेबल ए विल अप्लाई। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट इलेप्स बिटवीन टू कॉल्स। ऐसा नहीं कि 15-15 दिन में 20-20 दिन में आप कॉल मंगा लें, एक कॉल के बाद जो सेकंड कॉल आप मंगाएंगे उसमें कम से कम आपको 30 डेज का या 1 मंथ का गैप आपको देना पड़ेगा। सेकंड, द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। किसी भी सिचुएशन में कॉल का अमाउंट जो है वो फेस वैल्यू के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड, ए मिनिमम 14 डेज नोटिस इज गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। मैंने आपसे कहा था कि शेयर होल्डर एक मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग में जरूरी नहीं कि हर शेयर होल्डर पहुंच जाए, जितने शेयर होल्डर पहुंचे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अपना कॉल का पैसा मंगाना है, तो ऐसी सिचुएशन में बाकी के शेयर होल्डर जो मीटिंग में नहीं आए उन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिस भिजवाना पड़ेगा। और नोटिस में ये नहीं कह सकते कि 2 दिन के अंदर पैसा भिजवाओ, कम से कम आपको 14 डेज का टाइम देना पड़ेगा। आप उसको ज्यादा टाइम दे दीजिए कि हाँ 1 महीने के अंदर पैसा दीजिए, 30 दिन में पैसा दीजिए, मिनिमम 14 डेज का टाइम तो होना चाहिए। कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास। बट आप जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मान लेते हैं सभी हमारे इस इंस्टीट्यूट के शेयर होल्डर्स हैं, और अब हम आपसे कॉल मंगाते हैं, कॉल के केस में हम आपको बोलते हैं भैया बॉयज को तो 5-5 रुपए जमा कराने, गर्ल्स को 10-10 रुपए जमा कराने, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बोले सभी शेयर होल्डर सिमिलर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ सिमेट्री होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए कि सभी के लिए कॉल का अमाउंट एक जैसा ही होगा, किसी से कम या किसी से ज्यादा कॉल आप नहीं मंगा सकते। Not the procedure for accounting for the issue of bond equity and preference share is the same. To differentiate between the two, the word equity and preference is prefixed to each and every installment. बेटा चाहे आप इक्विटी शेयर इशू करें या प्रेफरेंस शेयर इशू करें, अकाउंटिंग क्या होगी यहाँ पे सेम होने वाली है। फिर डिफरेंस क्या मालूम पड़ेगा कि इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर है, तो शुरू में आप इक्विटी या प्रेफरेंस लिखते हैं उससे मालूम पड़ जाएगा कि अकाउंटिंग की वजह इक्विटी के लिए होगी या प्रेफरेंस। अब बातचीत करते हैं कुछ स्पेशल लोगों के बारे में, ऐसे लोग कैसे लोग होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट। जब हम आप लोगों से ये फी के बारे में बात करते हैं, जब आप लोगों को फीस जमा करानी है ना, तो आप पहले दिन बोलते हैं सर हम तो इंस्टॉलमेंट में मांग लेते हैं, चलो कोई बात नहीं इंस्टॉलमेंट। तो कुछ लोगों को ये इंटीमेशन दी जाती है कि अगर आपने आज फी डिपॉजिट कराई तो आपको 15 डेज के अंदर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। हमने मिनिमम 14 डेज का टाइम दिया ना, जो रूल है उसके हिसाब से 14 दिन का टाइम, हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन फीस जमा करें। काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो टाइमली फी डिपॉजिट करवाते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी होती है वो 15 डेज में डिपॉजिट करवा देते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये ट्राई करते हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ता जाए, तो जितना टाइम बढ़ेगा हमें उतना फायदा हो जाएगा। पता नहीं कि इंटरेस्ट पे लगा रखे होते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, पर हाँ ये अपने बेनिफिट के हिसाब से सोचते हैं कि थोड़ा लंबा टाइम लेंगे, तो कुछ 15 दिन की जगह 30 दिन में देते हैं, कुछ 45 दिन में, कुछ 2 महीने आराम से। ये जो टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। हमने 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन में पैसा नहीं आया, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर, ओके। मगर कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, उनको पता है कि फ्यूचर के अंदर ये सब पैसा मांगेंगे ही मांगेंगे, रोज रोज ऐसे पैसा तो करेगा, तो एक काम करो इनको सारा पैसा एक साथ ही दे दो। तो फ्यूचर में कोई पैसा देना भी होता है तो अगर आप बच्चे ने एक्स्ट्रा शुरुआत में ही ज़्यादा दे दिया तो ये सब बोलते हैं कॉल इन एडवांस, राइट। तो कॉल इन एरियर क्या है और कॉल इन एडवांस क्या है, किसी कंपनी के द्वारा पब्लिक में जब शेयर्स इशू किए जाते हैं लमसम या इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट के अमाउंट के लिए नहीं है। तो किसी ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, किसी ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, वहां तक कॉल्स नहीं, वर्ड ही नहीं आता है, कॉल्स का वर्ड आता है अलॉटमेंट के बाद, ठीक है ना। तो अपने इंस्टीट्यूट के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है ही नहीं, यहाँ नहीं सोचना है ना।
तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हुआ? When any shareholder fails to pay the amount due on allotment or any of the calls, इसको allotment को हटा दीजिए भाई, allotment के लिए नहीं है. Such amount is known as calls in arrear या unpaid calls. It is not necessary to pass journal entry for calls in arrear. हालांकि कई टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं calls in arrear है तो आप calls in arrear को डेबिट कर दीजिए क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में आएगा. बट आपने अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो पहले ड्यू कर रखा वो अपने आप में कॉल्स इन एरियर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी यूजुअली एम्पावर द डायरेक्टर्स टू चार्ज इंटरेस्ट एट अ स्टिपुलेटेड रेट ऑन कॉल्स इन एरियर. बेटा ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये पावर देता है डायरेक्टर्स को, चाहे तो कॉल्स इन एरियर के लिए क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, फिर शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा. इन केस द आर्टिकल्स आर साइलेंट इन दिस रिगार्ड द रूल कंटेन इन टेबल ए शैल बी एप्लीकेबल व्हिच स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम. ये ध्यान रखिए बेटा, कॉल्स इन एरियर के केस में इंटरेस्ट की रेट जो होगी वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज की जाएगी. शेयर हैव टू बी पेड ऑन ऑल अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स फॉर द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डे फिक्स्ड फॉर पेमेंट एंड द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट देयर ऑन. बेटा हम लोगों ने सभी शेयर होल्डर को कहा था कि आपको 15 जून तक कॉल का पैसा डिपॉजिट कराना है, मगर एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 1 अगस्त के दिन ये कॉल का पैसा डिपॉजिट करवाया, तो उसको ड्यू कब हुआ था, कब उसको पेमेंट करना था, 15 जून के दिन. एक्चुअली पेड कब किया, थोड़ा इस पर्टिकुलर टाइम गैप के बिटवीन का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 16 ऑफ जून से लेकर 1 ऑफ अगस्त तक, 1.5 मंथ का इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा. जो कॉल्स इन एरियर है इसके लिए कंपनी कभी भी डिविडेंड का पेमेंट नहीं करे. जिसने पैसा ही जमा नहीं कराया उसको डिविडेंड कहां से, प्रॉफिट में कौन से शेयरिंग मिलेगी, उसको डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया. नाउ कॉल्स इन एडवांस, समटाइम्स सम शेयर होल्डर्स पे अ पार्ट और द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड. जो कॉल हमने आज तक शेयर होल्डर से मंगा ही नहीं, शेयर होल्डर उसको भी डिपॉजिट करवा रहे, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस. The amount so received from the shareholder is known as calls in advance. Table A of the Companies Act provides for the payment of interest. But इन लोगों को हमें क्या पे करना है? Interest. क्या इन्होंने dividend के लिए लिखा है कि इनको dividend पे करना है? No. At the rate of not exceeding 12% per annum. तो calls in arrear पर interest charge करना है 10% per annum और calls in advance पर interest pay करना है 12% per annum. ये भी कहां से कहां तक? जिस दिन शेयर होल्डर ने पेमेंट किया और जिस दिन हम लोग नेक्स्ट कॉल ड्यू करेंगे उस डेट के बीच का टाइम पीरियड भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है. द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर द अमाउंट ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस. अगर रिसीव्ड इन एडवांस है तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. और जब ये कॉल मंगाएंगे उस समय हम लोग इसको क्या करेंगे, उस कॉल से एडजस्ट कर लेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है, उसे हम लोग इसको एडजस्ट करें. ये है इशू ऑफ शेयर्स. अब कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिन्होंने हमें टाइम पर पेमेंट नहीं किया, इन शेयर होल्डर का क्या किया जाए? तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फीस टाइम पर जमा नहीं कराई उन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट से ही निकाल देते हैं. इन शेयर होल्डर को भी क्या करेंगे, अपन अपनी कंपनी से ही निकाल देंगे. इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी फीस जमा करे उसको देना है, नहीं देना है, वो तो हमारी कंपनी की हमारी हो गई, उतना तो पढ़ा दिया हमने उन्होंने. अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी कंपनी को पैसा जमा करा दिया था, इन शेयर होल्डर को कंपनी से क्या करेंगे, हम लोग निकाल देंगे, उनकी मेंबरशिप हम लोग सीज कर देंगे. इसी को कहा जाता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स. तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, इट मे हैपन that some shareholder failed to pay one or more installments with allotment, first call, second call. In such circumstances, the company can forfeit their shares. Forfeiture of shares originally issued at par. अगर ये shares at par issue किए थे, तो entry क्या pass करेंगे? Share capital account debit to share forfeiture account to share call account.
तो ये ध्यान रखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट कर रहे हैं वो किस अमाउंट से करेंगे, ये अमाउंट होगा कॉल्ड अप अमाउंट, जितना पैसा शेयर होल्डर से आज तक हमने मंगाया। अगर 10 रुपए का शेयर और 10 रुपए पूरा हम लोग शेयर होल्डर से मंगा चुके हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 10 रुपीज से। 10 रुपए के शेयर में से पब्लिक से आज तक हमने केवल 8 रुपए ही मंगाए, 2 रुपए आज तक मंगाया ही नहीं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 8 रुपए से। बेटा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पेड कर दिया, और अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट क्रेडिट कितने से होगा, जितना अमाउंट इनका अनपेड रहेगा। तो ध्यान रखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट बंद कर डेबिट करना है कॉल्ड अप अमाउंट से, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट पेड अप अमाउंट से, जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने अपने को पे कर दिया, और ये अमाउंट होगा अपना अनपेड अमाउंट जो अपने को अभी तक शेयर होल्डर ने नहीं दिया। अगर ये शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं तब आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया या नहीं किया, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कंपनी को मिल चुका है, ये कैपिटल नेचर का फॉरफिट है। शेयर को जो फॉरफिट कर रहे हैं और शेयर होल्डर ने जो पैसा दे दिया, ये भी कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का ही प्रॉफिट है। तो ऑलरेडी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में ही ट्रांसफर कर रखा है, तो दोबारा उसको आप डेबिट करके फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे तो वो अपना कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है तो उसको भूल जाइए, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ हो तो अब आपको उसको डेबिट करना होगा। When shares were originally issued at a premium and the premium amount has been fully realized, पूरा पैसा आ चुका है, and later on some shares are forfeited due to non-payment of all money, the accounting treatment of forfeited would be on the same pattern as in the case of shares issued at par. यानी कि आपको face value का ही accounting treatment करना है, security premium का treatment नहीं करना है, क्योंकि वो premium आपको already receive हो चुका है। If the premium amount has not been received either wholly or partly in respect of the shares forfeited, the share premium account will also be debited with the amount of premium not received. तो ये वापस आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, राइट? तो बस ये पॉइंट ध्यान रखें कि जब शेयर्स आपने प्रीमियम पर इशू किए थे तो प्रीमियम का अमाउंट आपको मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर अकाउंट अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और अगर रिसीव हो चुका था तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर प्रॉफिट अकाउंट, राइट? इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट? और यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ पे एसबीडी चल रहा है। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आपने पहले क्रेडिट किया था जब मंगाया था, और अब इसको वापस आपको डेबिट करना होगा, ओके? ये जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, इन शेयर को वापिस से क्या करेंगे हम लोग, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को री इशू करेंगे। और जब तक शेयर्स री इशू नहीं हो जाते तब तक शेयर होल्डर ने जो अपने को पैसा जमा कराया था उसको प्रॉफिट नहीं मान सकते। प्रॉफिट हमेशा कब होगा, इनके री इशू हो जाने के बाद। शेयर्स को फॉरफिट किया, अभी से जस्ट मैंने अपने पढ़ा था, शेयर्स को जब हम लोगों ने फॉरफिट किया तो शेयर होल्डर से हमें जो पैसा मिला, ये पैसा अपने कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये अमाउंट शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहेगा कब तक, जब तक इन शेयर्स को हम लोग री इशू नहीं कर देते। री इशू करने के बाद इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, नॉर्मली द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एज फुल्ली पेड एंड एट अ डिस्काउंट। या तो जो फॉरफिट किए हुए शेयर इन्हें या तो एट पार इशू करने होंगे या फिर इन्हें डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे। In this context, it may be noted that the amount of discount allowed cannot exceed the amount that had been received on the forfeited shares.
तो यहाँ ध्यान रखें कि आपको शेयर जब फॉरफिट किए थे तो फॉरफीचर में जो अमाउंट आपको मिला वो अमाउंट के कंपैरिजन में जो डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं ये डिस्काउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करिए 100 रुपीज का शेयर है और शेयर होल्डर ने हमें अब तक 20 रुपीज दे दिए थे, 80 रुपीज नहीं दिए थे, इस तरह हमने उसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो शेयर होल्डर से कंपनी को टोटल कितना रुपए मिला हुआ है, 20 रुपीज। अब इन शेयर को फॉरफिट करने के बाद जब री इशू करेंगे तो री इशू पर जो मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 20 रुपीज का डिस्काउंट। इससे ज्यादा फिर अपने इसको रीइशू नहीं कर सकते। एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये सभी एक ही के अंदर हमने मिक्स कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये पॉइंट हटा दे क्योंकि अब ये शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट जो लॉस हुआ था जो डिस्काउंट पर अगर किया अपने टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर ये प्रीमियम पर इशू किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अब इन सब के बाद क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। और इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इन शेयर्स को अगर रीइशू कर रहे हैं तो इसके लिए एट पर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर एट प्रीमियम किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ, डिस्काउंट पर कर रहे हैं तब ध्यान रखिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये है री इशू करने पर जो डिस्काउंट हमने दिया उस डिस्काउंट की एंट्री। इस डिस्काउंट को हमने किससे एडजस्ट कर लिया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट कर लिया। थोड़ा ये है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और इन सब के बाद लास्ट में क्या करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस होगा ये अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, राइट। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको शेयर्स के लिए कहा गया हो कि आपने टोटल 500 शेयर फॉरफिट किए हैं मगर इनमें से री इशू 500 नहीं करके कंपैरेटिवली कम किए हो। माना कि 500 शेयर हमने फॉरफिट किए और इसका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट था टोटल 2000 रुपीज, इसमें से री इशू केवल 200 शेयर किए, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा इन 2000 रुपए में से इन 200 शेयर का फॉरफीचर का अमाउंट कितना है। 2000 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 200, ये जो शेयर अपन ने क्या कर दिया, वापस से री इशू कर दिए और ये नॉट इशू, जो री इशू नहीं किए उसका बैलेंस 1200 रुपए ये कहां पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो री इशू कर दिए ये पैसा कहां जाएगा, इसका कैपिटल रिजर्व, राइट। तो ये कंप्लीट टॉपिक था इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।